हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है नरेन और आप देख रहे हैं नोमेड जयपुराइट। तो गाइज, पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से अपन ने नए व्लॉग अपलोड नहीं किए, क्योंकि एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं मिला। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था, अपन आए थे रेवदंडा फोर्ट और रेवदंडा बीच पे। तो आज हम आ गए हैं रेवदंडा फोर्ट और रेवदंडा बीच के पास एक कैंपिंग रिजॉर्ट में। तो जल्दी से आपको देते हैं एक क्विक टूर कैंपिंग रिजॉर्ट का और उसके बाद डिस्कस करेंगे ऑल द डिटेल्स अबाउट कैंपिंग रिजॉर्ट। तो बने रहिए वीडियो पे मेरे यानी कि नरेन के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल नोमेड जयपुराइट पर। तो गाइज, रेवदंडा बीच और रेवदंडा फोर्ट के एकदम बाजू में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कुछ कैंपिंग टेंट्स। हम अभी एक कैंपिंग टेंट के अंदर है। मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे टेंट्स और इस तरफ है बारबेक्यू एरिया और सम एक्टिविटी एरिया। पीछे आपको सिटिंग एरियाज देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही शाम को आपको यहाँ लाइव म्यूज़िक और बारबेक्यू के साथ साथ और बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ भी करने के लिए मिल जाएगी। तो गाइज़, अगर आप रेवदंडा फोर्ट या रेवदंडा बीच पे आ रहे हैं तो आप रेवदंडा बीच के पास कैंपिंग में स्टे कर सकते हैं। कैंपिंग टेंट्स की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और नाम आपको स्क्रीन पे चलता हुआ दिखेगा। तो गाइज़, ये एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा बीच के एकदम नज़दीक टेंट्स में रहने का। मैं अभी जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ भी वेव्स का साउंड मैं एकदम क्लियरली सुन सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल दिन का वक्त है और रात के वक्त ये जो साउंड है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो गाइज़, अगर आप रेवदंडा फोर्ट आते हो, रेवदंडा में आते हो, रेवदंडा बीच के एरिया में आते हो, तो आप यहाँ कैंपिंग टेंट्स के अंदर भी स्टे कर सकते हो। ये एक बहुत अलग और बहुत सही वाला एक्सपीरियंस हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो भाई, कुछ इस तरह से हो जाएगा कैंपिंग रिजॉर्ट। मेरे सामने आपको दिख रहे हैं टेंट्स लगे हुए। बात करेंगे कैपेसिटी की तो मैनेजर ने हमको बताया 100 टेंट्स के लिए यहाँ पर इनफ स्पेस अवेलेबल है। इस रिज़ॉर्ट की जो खास बात लगी मुझे वो ये है कि यहाँ पर टेंट्स, किचन और वॉशरूम सब सेपरेट एरिया में है। साथ ही जो एमिनिटीज़ हैं उनके लिए भी अलग से स्पेस बनाया गया है। इस रिज़ॉर्ट की सबसे जो खास बात है वो है इस रिज़ॉर्ट का बीच से एकदम कनेक्टेड होना। इस रिज़ॉर्ट से निकल के आप कभी भी बीच पे डायरेक्टली जा सकते हैं। बीच पे जाने के लिए यहाँ सेपरेट रास्ता है, यहाँ से हम निकल के जा सकते हैं बीच पे। और ये मेरे सामने आपको दिख रहा है रेवदंडा बीच कैंपिंग रिजॉर्ट के एकदम नज़दीक में। रेवदंडा फोर्ट और रेवदंडा बीच के इन्फॉर्मेशन आपको हमारे दूसरे व्लॉग में मिल जाएंगे। व्लॉग के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से रहेगा रेवदंडा बीच का नज़ारा। सो गाइज़, अभी हम हैं सी फोर्ट कैंपिंग रिजॉर्ट में। सी फोर्ट कैंपिंग रिजॉर्ट रेवदंडा फोर्ट और रेवदंडा बीच के एकदम बगल में, एकदम बाजू में है। यहाँ पे आपको बढ़िया सी कैंपिंग करने के लिए मिल जाएगी, जो कि एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होगा। मेरे जो पीछे आपको दिख रहा है पूरा कैंपिंग एरिया है और कैंपिंग एरिया के जस्ट पीछे बराबर में आपको दिख रही है वॉल, जो कि है रेवदंडा फोर्ट की वॉल। मेरे जस्ट राइट में है रेवदंडा फोर्ट। तो गाइज़, रेवदंडा फोर्ट के पास, रेवदंडा बीच के पास सी फोर्ट कैंपिंग रिजॉर्ट में कैंपिंग करने का एक्सपीरियंस एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ अभी मैं बैठा हूँ बीच से ऑलमोस्ट 300 मीटर डिस्टेंस है और यहाँ मुझे अभी तक वेव्स का साउंड आ रहा है। अभी दोपहर का टाइम है तो रात को जो है ये साउंड और ज़्यादा तेज़ हो जाने वाला है। तो गाइज़, अगर आप रेवदंडा फोर्ट पास वाले एरिया में हो और रेवदंडा बीच के आसपास के एरिया में हो तो आप सी फोर्ट कैंपिंग रिजॉर्ट में आप रुक सकते हो, स्टे कर सकते हो। यहाँ के चार्जेस रहेंगे
कुछ 1200 रुपीज़ जो कि स्लाइटली नेगोशिएबल हैं। इवनिंग 4 PM आपको चेक इन मिलेगा, उसके बाद आपको 5 o'clock इवनिंग स्नैक्स मिलेंगे, चाय कॉफ़ी नाश्ता वगैरह मिल जाएगा। 8 बजे आपको मिल जाएगा बारबेक्यू, उसके बाद 10 बजे से हो जाएगा DJ पार्टी म्यूज़िक चालू। साथ ही साथ आपको सैटरडे संडे वीकेंड्स पे और कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स पे आपको यहाँ पर लाइव म्यूज़िक सेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। कैंपिंग रिजॉर्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही स्क्रीन पे आपको यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन चलता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ आपको भाई मिलेंगे, स्वप्निल भाई। तो ये है स्वप्निल भाई, सी बीच कैंपिंग रिजॉर्ट के मैनेजर। आप कभी भी आएंगे स्वप्निल भाई से अपना नाम लेंगे, ये आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दे देंगे। क्यों स्वप्निल भाई, देंगे ना? चलो तो फिलहाल के लिए गाइज हम चलते हैं यहाँ से अलीबाग बीच के लिए। अब आपसे मुलाकात होगी अलीबाग बीच पर, जो कि है यहाँ से कुछ 18 किलोमीटर। और आज का दिन हम यहाँ से सबसे पहले जाएंगे अलीबाग बीच, उसके बाद हम जाएंगे कोलवा फोर्ट, देन हम जाएंगे मांडवा, और मांडवा बीच के बाद हम जाएंगे फेरी लेके मुंबई। तो गाइस फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से अलीबाग बीच के लिए, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल नोमेड जयपुर राइट पर।